गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें एक स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करना है, बट हमें पोजिशनल बनाना है क्योंकि आज है फ्राइडे का दिन और हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी जो है दैट इज 5th में। तो आज हम एक पोजिशनल पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक शॉर्ट स्ट्रैडल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, NRML ऑर्डर टाइप पे, रन ऑन डेज मैंने सेलेक्ट कर रखा है। टारगेट स्टॉप लॉस मैं बाद में भी डिफाइन कर सकता हूँ, बट अगर मुझे पहले डिफाइन कर देना है तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसे मैं पोजी 5 का नाम दे दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, एंड पोजिशनल पोर्टफोलियो को यहाँ पे टिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तुरंत मेरी यहाँ पे डेट जो है वो आ गई। अगर मैं फिर से आपको दिखा दूँ तो देखिए, तो अब मैं इसको डेट दे रहा हूँ कि आप 05/5/325 को आप स्क्वायर ऑफ हो गए। मैं इसे 2 PM का भी या 225 का भी टाइम दे सकता हूँ, जो मैं स्पेसिफिक टाइम पे उसे डिफाइन करना चाहता हूँ। अगर मैंने उसे प्रीमियम दे दिया है फॉर एग्जांपल 50% का स्टॉप लॉस एंड अराउंड 80% का टारगेट, तो डेफिनेटली वो अकॉर्डिंगली काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ। अब इसमें बड़ी खूबसूरत सी चीज़ भी दी गई है। कई बार क्या हो जाता है कि मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मार्केट्स गैप अप एंड गैप डाउन खुल सकती हैं, एंड यू नो टारगेट एंड स्टॉप लॉस अगर बड़े नहीं है इतने लिमिटेड उसमें, तो कभी कभार हिट होने की संभावना। ये सिर्फ पोजिशनल के लिए ही बहुत उपयोगी फीचर है। तो मैं अदर सेटिंग्स में आ जाऊँगा और यहाँ पे पोजिशनल पोर्टफोलियो टारगेट मॉनिटरिंग टाइम एंड पोजिशनल पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस मॉनिटरिंग टाइम कि मैंने कह दिया उसे 9:30 से आपको ऑब्जर्व करना है। तो इससे होगा क्या, मुझे भी 10-15 मिनट मिल जाएगा अगर मुझे मेरे रनिंग पोर्टफोलियो में कोई लेग ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, तो इमीडिएटली मेरा ये लेग नहीं कटेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये गैप डाउन में खोला ही 50% के उसमें, तो तुरंत वो स्टॉप लॉस सुबह 9:15 पे कट कर देगा। बट अगर मैं समय चाहता हूँ थोड़ा सा एनालाइज करने समझने, तो मैं ये बड़ा खूबसूरत फीचर हमने पोजिशनल के लिए यहाँ पे दिया कि आप 9:30 स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम को डिफाइन कर सकते हैं, तो वो वहाँ से टारगेट एंड स्टॉप लॉस को कंसिडर करेगा, अदरवाइज वो 9:15 पे मार्केट खुलते ही बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप कैंडल क्लोज बेसिस जो हमने आपको पिछले वीडियोज़ में भी दिखाया है, तो आप कैंडल क्लोज बेसिस पे भी आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस कंबाइंड टारगेट आप हर एक चीज़ को सेट कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूं आगे, ये चीज़ मेरी हो गई है सेफगार्ड, ठीक है। एंड बाय ट्रेड्स फर्स्ट भी टिक है, स्लाइस एग्जिट ऑर्डर्स एज एंट्री ऑर्डर्स भी टिक है, ओके। ये स्पेसिफिकली होता है जब आपको बड़ी क्वांटिटी में काम करना हो, ठीक है ना, तो एग्जिट स्लाइसिंग तब काम आता है। तो ये मेरा एक्टिवेट हो गया। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है फ्रेंड्स, ये कलर जो है ऑटोमेटिकली येलो बैंड आ गया है, ठीक है। तो मैं इसे पहले तो एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। वो येलो बैंड क्यों आया है, वो येलो बैंड इसीलिए आया है क्योंकि वो रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक पोर्टफोलियो बना दूंगा शॉर्ट ट्रायंगल का, MIS बेसिस पे, पोजिशनल नहीं है वो, ठीक है। वंस एंड मैं इसे नाम दे दिया DDFT एंड सेव कर दिया एंड एनेबल कर दिया, ठीक है। तो क्या वहाँ पे आपको येलो बैंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। येलो बैंड सिर्फ पोजिशनल पोर्टफोलियोज के लिए आता है। अब आते हैं समस्या पे, हमने पोर्टफोलियो फायर किया है MIS, ठीक है ना, या फिर हम अगर चाहें तो उसे मेक अ कॉपी करके एक पोर्टफोलियो बना लेंगे फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे मैं इसे NRML कर दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल और मैं इसे फायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एग्जीक्यूशन फिर से, ठीक है। तो क्या आपको दोनों कंडीशन में यहाँ पे कलर चेंज दिखा, नहीं दिखा ना। पोजिशनल का आपको डिफ्रेंसिएशन कलर बैंड से ही मालूम पड़ सकता है, अदरवाइज ये टिक बॉक्स भी दिया गया है यहाँ पे, बट आप इजीली उसे असेस कर सकते हैं। तो देखिए बड़े खूबसूरती के साथ हमने बस एक छोटा सा एक स्ट्रैडल सेल किया है और बढ़िया मूवमेंट है, ठीक है, काफ़ी अच्छा PNL कहा जा सकता है ये एक छोटे से उसमें। एंड इवेंचुअली ये उस पर्टिकुलर तारीख को अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देगा, तब तक के लिए मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि ये मैनेज करेगा। तो इस तरीके से आपको एक डिफरेंशिएटिंग बैंड जो है यहाँ देखने मिल जाता है, ठीक है ना। अब बारी आती है पोजिशनल में आपको
कल को लगता है कि मैं स्क्वायर ऑफ कर दूं या उसकी डेट चेंज कर दूं, तो बिल्कुल आप एडिट को क्लिक करके कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं दो लेग उसमें ऐड कर दूं, प्रीमियम बेसिस पे कर दूं या नॉर्मली कर दूं, फॉर एग्जांपल एटीएम माइनस 100 या एटीएम माइनस 150 एंड सेफ पोर्टफोलियो करते ही उसमें ऐड हो जाएंगे, तो आपका जो मल्टी लेग पोर्टफोलियो जो दो का था वो चार का हो गया। इस तरीके से आप एट लेग्स एक ही स्ट्रैटेजी में फायर कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े ही खूबसूरती के साथ स्टॉक्सो काम करता है इस केस में, एंड आप इजीली अपने पोजिशनल स्ट्रैटेजीज को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फीचर्स समझ आए होंगे कि पोजिशनल पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज होता है, एंड अगर बीच में ही लगता है कि स्क्वायर ऑफ कर देना है तो ये ब्लू बटन से आप स्क्वायर ऑफ मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आपको पे ऑफ देखना है आपके पोजिशनल का, तो बिल्कुल वन क्लिक पे आप पोजिशनल पे ऑफ भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, बिकॉज सारे रेगुलर अपडेट्स हम यूट्यूब पे ही लाते हैं, तो यहाँ पे जितना आप जुड़े रहेंगे उतना आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।